अगर आप ऑटो इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको मैकेनिकल पता होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल भी पता होना चाहिए। एक 12 वोल्टेज डायरेक्ट जो है मेरा किधर गया है, इग्निशन स्विच, इसको बोलते हैं हम लोग सोलेनोइड स्विच, और ये वाला जो है हमारा स्टार्टर बॉडी बोलते हैं। यहाँ पे जो है पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी और नेगेटिव ये बॉडी से ले लेगा, तो क्या करेगा इस कॉन्टेक्ट को, इसको और इसको जो है आपस में ज्वाइंट कर लेगा, हमारा बैंडेक्स, और ये हो गया हमारा सोलेनोइड स्विच। देखिएगा आप तो ये जो है ये कार्बन ब्रश है, ये यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये पीछे जो अंदर जो दिख रहा है वो कार्बन ब्रश है। हमारा आर्मेचर है, ये देखिए आर्मेचर इसी तरीके से आता है, इसके ऊपर जो कार्बन कॉन्टेक्ट रहता है इस तरीके से, आप जैसा ही प्लस माइनस मिलता है तो क्या होता है इसके अंदर जो कार्बन। हेलो गाइस, आई एम ओजिल, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है ऑटो इलेक्ट्रीशियन बिगनर क्लास 2, तो आप अगर क्लास वन का पार्ट 1 पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग आज क्लास 2 देखने वाले हैं। जो बिगनर है एकदम, जिसको कुछ नहीं समझ में आता है, उसके लिए जो है मैं बता रहा हूँ एकदम ज़ीरो लेवल से जो है स्टार्ट करने के लिए। तो आज का जो क्लास है तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो स्टार्टर होता है, तो स्टार्टर जो है कुछ देखने के लिए अगर आप देखोगे गाड़ी के अंदर तो कुछ इस टाइप का जो है आपको स्टार्टर देखेगा, ये इस तरीके से जो है वो स्टार्टर दिखता है, ठीक है। और ये स्टार्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिकली देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे मैकेनिकली किस तरीके से जो है ये काम करता है। अगर आप ऑटो इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको मैकेनिकल पता होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल भी पता होना चाहिए। अगर आप ECM रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी होना चाहिए, तब जाके आप ECM रिपेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देख लीजिएगा मेरे पास एक बैटरी है, तो बैटरी के अंदर आप देखिएगा एक 12 वोल्टेज डायरेक्ट जो है मेरा किधर गया है, इग्निशन स्विच में, इसमें गया है, ये हमारा इग्निशन स्विच है और इग्निशन स्विच में गया है, और इग्निशन स्विच में जाने से पहले जो है हमारा फ्यूज़ बॉक्स के द्वारा जो है ये 60 एम्पियर का फ्यूज़ से जो है हमारा जाता है, बीच में जो है इसमें लगता है 60 एम्पियर का फ्यूज़, फिर जाके जो है ये हमारा जाता है इग्निशन स्विच में, फिर इग्निशन स्विच तक ये चला गया, उसके बाद फिर से जो है यही डायरेक्ट मोटा वाला वायर जो होता है वो हमारे जाता है सोलेनोइड, इस स्टार्टर के सोलेनोइड स्विच में। सोलेनोइड स्विच कौन सा होता है, इसका जो है इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनोइड स्विच, इसको बोलते हैं हम लोग सोलेनोइड स्विच, और ये वाला जो है हमारा स्टार्टर बॉडी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्टार्टर बॉडी। तो ये टर्मिनल्स के ऊपर जो है डायरेक्ट हमारा 12 वोल्टेज गया विदाउट एनी फ्यूज एंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ये मोटा वायर के थ्रू जो है चला जाता है, कौन से एकदम मोटा वायर के थ्रू, ठीक है, एकदम मोटा वायर के थ्रू जो है अभी मोटा वायर के थ्रू जो है हमारा डायरेक्ट 12 वोल्टेज जो है इसके ऊपर होता है। अब हम लोग जब एक बार चाबी ऑन करते हैं तो ACC ऑन होता है, ACC में हमारा टेप हो गया, उसके बाद जो है हमारा चार्जर हो गया, उसके बाद जो भी छोटा मोटा लाइट डीम का लाइट ये सब का जो सिस्टम्स होता है, एसेसरीज से जो रिलेटेड होता है, टेप होता है, तो ये सब जो है ऑन हो जाता है। उसके बाद जब ऑन करते हैं तो हमारा गाड़ी जो है फुल्ली ऑन हो जाता है, ECM, EPS, मीटर, ABS, उसके बाद जो है आपका हेडलाइट, एमलाइट, जो आप ऑन करिएगा सब के अंदर जो है ये सप्लाई, टोटल गाड़ी समझ लीजिए कि पूरी तरीके से ऑन हो जाती है ऑन पर, ठीक है। उसके बाद आती है स्टार्ट, तो स्टार्ट मतलब कि इंजन को स्टार्ट करना, इंजन को घुमाना। तो जब आप क्रैंकिंग स्टार्टिंग करिएगा, स्टार्ट पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ से एक 10 एम्पियर का फ्यूज़ लगता है, 10 एम्पियर का फ्यूज़ आपको लगेगा, ये 10 एम्पियर का फ्यूज़ से जो है आता है हमारे इस सोलेनोइड को, इस सोलेनोइड को आता है, ठीक है। ये सोलेनोइड को आता था, ये एकदम ओल्ड टेक्नोलॉजी है, कौन सा है ये एकदम ओल्ड टेक्नोलॉजी है, और मे बी ये 30 एम्पियर का फ्यूज़ होगा, ओल्ड में, सॉरी मैं 10 बोल दिया, ये 30 एम्पियर का फ्यूज़ जो है यहाँ पर लगता था और आता था डायरेक्ट सोलेनोइड को, ये ओल्ड है, जैसा कि ब्लोरो DI देखोगे, ब्लोरो पिकअप DI, जो ओल्ड मॉडल होता था एम्बेसडर उसके अंदर होता था। फिर इससे थोड़ा सा लेटेस्ट हुआ तो क्या हो गया कि इसके बीच में जो है रिले आने लग गया, तो रिले का अगर वर्किंग नहीं पता है तो
अभी जो है आप मैं जो बता रहा हूँ वो समझिए, मैं रिले के ऊपर जो है डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो रिले का काम एक्चुअल में इसमें जो है चार टर्मिनल होता है, क्या होता है, चार टर्मिनल होता है जिसको हम लोग 85 और 86 कहते हैं और 30 और 87 कहते हैं, ये चार होता है। और 85 और 86 में जो है हमारा क्या होता है, कॉइल होता है, कॉइल होता है। बस इतना मान लीजिए कि 85 86 में माइनस प्लस, चाहे इधर प्लस दो चाहे इधर माइनस दो, चाहे इधर माइनस दो चाहे इधर प्लस दो, आप किधर साइड भी दो तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने की वजह से क्या होगा, ये 30 और 87 जो है आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से होता है अंदर में। अब जैसा ही जो है मैग्नेट बनता है तो ये जो लोखंड होता है, इन दोनों जो कॉन्टेक्ट होता है, कॉन्टेक्ट पॉइंट, इन दोनों जो है आपस में टच हो जाता है। तो जो पुराना जो अभी जो थोड़ा जो लेटेस्ट में जो आने लगा है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर इसको जो है ग्राउंड कर दिया जाता है और इसको यहाँ से लेकर हमारा इसी के अंदर, मतलब ये वाला फंक्शन जो है अभी हट गया, यहाँ से जो है ये हट गया। और जैसा ही हम लोग इग्निशन करते हैं, ऑन करते हैं, ये वाला जो है हमारे स्टार्टर रिले को चला गया, इसको हम लोग बोलेंगे स्टार्टर रिले, क्या बोलेंगे, स्टार्टर रिले बोलेंगे। तो यहाँ से जो है मेरा ऑन हुआ, ये चला गया स्टार्टर मोटर को, पहले से जो है यहाँ पर 86 में पहले से ग्राउंड है, 85 में जो है 12 वोल्ट स्टार्टिंग इग्निशन आया, इग्निशन से हम लोग ने घुमाया तब जाकर आया। और ये जो है हमारा क्या हो गया, ये जैसा ही इसमें प्लस आया इसमें माइनस है ही है, तो क्या हो गया, ये और ये दोनों ज्वाइंट हो गया। और इसको जो है बैटरी से, टर्मिनल 30 को जो है हमारे बैटरी से जो है 12 वोल्टेज कंटिन्यू आते रहता है, प्लस 12 वोल्टेज बैटरी से कंटिन्यू 12 वोल्टेज आते रहता है। और हमारा ये 87, ये वाला जो है हमारा 87 ये निकलेगा और आपको जो है इसके अंदर ये स्टार्टर सोलेनोइड के अंदर जो है ये जॉइंट हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो क्या हो गया, 86 में जो है पहले से ग्राउंड है, 85 से जो है आया 12 वोल्टेज, इन दोनों में प्लस माइनस हुआ। तो जैसा ही ये ऑन हुआ तो क्या होगा, इसका और इन दोनों आपस में क्या होगा, इसका जो पॉइंट है आपस में टच होगा और ये वाला जो 12 वोल्टेज वो यहाँ आएगा और इसको चला जाएगा। तो क्या हो गया, ये प्रोटेक्शन हो गया। और पहले वाला तो चाहे ये प्रोटेक्शन नहीं था, बार बार आप देखोगे पुरानी गाड़ी में जो होता था उसका इग्निशन स्विच का जो पीछे का जो बैरियर होता है ना प्लास्टिक का, वही जल जाता था। तो अभी जो है वो प्रॉब्लम नहीं आता है चलने का, वो इशू जो है नहीं आता है। तो अभी इसको जो है हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे कितना टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आते रहा। बस आपको इतना समझना है कि बस ये मेरी एक बैटरी है, बैटरी से एक 12 वोल्टेज कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहेगा, जैसा कि ये मेरा स्टार्टर मोटर है, स्टार्टर मोटर है ये। अब ये बैटरी है, बैटरी से 12 वोल्टेज कंटिन्यू इसके अंदर रहेगा, किसके अंदर, हमारे इस टर्मिनल्स के अंदर जो है 12 वोल्टेज कंटिन्यू रहेगा। और जैसा ही आप इग्निशन ऑन करके क्रैंकिंग करोगे, चाबी ऑन करोगे, एक बार एसीसी ऑन होगा, फिर इग्निशन होगा, फिर तीसरा जो आप सेल्फ मारते हो ऑटोमेटिक जो फेंकता है, तो जब वो सेल्फ मारते हो तो ये वाले पिन में जो है रिले के थ्रो या किसी में डायरेक्ट होगा या किसी में रिले के थ्रो यहाँ पर 12 वोल्टेज आएगा। देख लीजिए ये वाला जो है 12 वोल्टेज आ रहा है, तो जैसा ही इसको 12 वोल्टेज मिलेगा तो क्या होगा कि ये वाला और ये वाला कॉन्टेक्ट आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, ये और ये, इन दोनों कॉन्टेक्ट जो है आपस में ज्वाइंट होगा। और इसके अंदर जो है हमारा आर्मेचर है, तो आर्मेचर के अंदर जो है हमारा सप्लाई जाता है और वो आर्मेचर के अंदर मैग्नेट बनता है और इसके अंदर जो है पहले से जो मैग्नेट होता है तो वो साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ आपस में आते, तो वो एक दूसरे को रिपल करता है, तो रिपल करने की वजह से जो है वो स्पीड में घूमता है, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं उस पार्ट के ऊपर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एक चीज़ लिख के कि क्या क्या पार्ट्स इसके अंदर होते हैं और उसका काम क्या होता है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के साथ में, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। तो स्टार्टर पार्ट्स में लिखता हूँ, स्टार्टर मोटर, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है और क्या क्या ख़राब होते हैं। तो सबसे पहले जो है पार्ट्स की बात कर लूँ, तो सबसे पहले मैं जो है इसी की बात करूँगा, ये मेरा ये चीज़। तो पहला जो है मैं इसको बोलूँगा सोलेनोइड स्विच, सोलेनोइड स्विच है ये, सोलेनोइड स्विच है। इसको जो है लोग देसी लैंग्वेज में जो है हम
बच्चा स्विच भी बोलते हैं, बहुत लोग जो है इसको बच्चा स्विच भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सोलेनोइड स्विच। और हमारा ये वाला हिस्सा, अगर आप देखोगे ये वाला हिस्सा जो इसके अंदर जो तीत है, ये देखिए ये तीत है, तो ये जो है ना ये एक बैंडेक्स, इसको बोला जाता है बैंडेक्स, जो आपस में जो है बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ये करता है, ये तीत जो है अंदर बाहर करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? बैंडेक्स बोलते हैं। फिर इसको जो बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करने वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्क। क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्क बोलते हैं, जो अंदर बाहर करता है। और इसके अंदर जो है एक आता है मैग्नेट, फिक्स मैग्नेट। क्या होता है? एक फिक्स मैग्नेट होता है, एक होता है हमारा फिक्स मैग्नेट, और एक और होता है इसके अंदर जो होता है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर होता है इसके अंदर ही, मैं भी खोल के दिखा दूंगा। और छठा जो होता है हमारा, वो होता है हमारा कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश होता है, कार्बन ब्रश आपको मैं दिखाता हूँ कैसा रहेगा। तो कार्बन ब्रश होता है। तो ये इतने सारे जो है कंपोनेंट को यूज़ करके जो है बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो है इसका वर्किंग की बात कर लेते हैं। तो ये जो सोलेनोइड स्विच होता है ये क्या काम करता है? तो ये सोलेनोइड स्विच का काम क्या है? स्विच का काम क्या होता है? ऑन ऑफ करना। क्या करना? ऑन ऑफ करना। तो इसके अंदर जो है ये समझ लीजिए आपका एक टाइप का रिले के जैसा ही है। तो अब देखिए कि ये वाला जो मैंने बताया है कि यहाँ पर जो है इसको प्लस मिलता है, और ये जो बॉडी है ये किससे अटैच्ड है? बॉडी से। तो बॉडी से इसको क्या मिल जाता है? ग्राउंड मिल जाता है। आप कोई भी बैटरी ले लोगे, जैसे कि आप गाड़ी है आपके पास, ये आपकी व्हीकल्स है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपको मेटल का बॉडी दिखेगा वो सब जगह जो है हमारा बैटरी का ग्राउंड है, बैटरी का नेगेटिव है। क्या है ये? बैटरी का नेगेटिव है। ये पॉजिटिव जो है सेपरेट रहता है, लेकिन नेगेटिव जो है पूरे बॉडी में रहता है। इंजन हो चाहे चेसी हो चाहे बॉडी हो, पूरी हर जगह जो है आपको मिलेगा नेगेटिव। तो उसी तरीके से जो है जब इसको सप्लाई मिलती है पॉजिटिव, यहाँ पे जो है पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी और नेगेटिव ये बॉडी से ले लेगा, तो क्या करेगा? इस कॉन्टेक्ट को, इसको और इसको जो है आपस में ज्वाइंट कर लेगा। इसके अंदर भी कॉइल होता है, इसके अंदर भी मैग्नेट बनता है, और मैग्नेट की वजह से जो है कॉन्टेक्ट ब्रेक होता है, कॉन्टेक्ट ज्वाइंट होता है। लेकिन ये इतना बड़ा यूज़ करने का मकसद ये है क्योंकि ये हाई एम्पियर करंट को कंज्यूम करता है, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो करता है, इसके लिए जो है साइज़ में बड़ा यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये साइज़ में जो है बड़ा यूज़ किया गया है। अब इसको जो है मैं खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अंदर जो है क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। तो मेरे पास तो प्रॉपर टूल्स नहीं है, लेकिन आप यूज़ करना तो कभी भी जो है प्रॉपर टूल्स ही यूज़ करना। हाँ चलो, लूज़ है ये, इसको जो है बोल्ट, मेरा बोल्ट है। ये वाला जो है मेरा स्टार्टर, अब मैं इसको जो है निकालता हूँ। ईसीएम के काम करने के लिए जो है पहले आपको ये सब सीखना पड़ेगा। अगर इस लाइन में मतलब मास्टर बनना है तो ये सब की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए ये वाला जो है हमारा ये आर्मेचर है। ये क्या है? ये हमारा जो है ये आर्मेचर है, ये हमारा गियर है, और ये देखिए ये जो है हमारा बैंडेक्स है, मैं इसको भी निकालता हूँ। बहुत टाइट है, ये वाला नहीं है, ये लग रहा है नहीं, ठीक है।
मैंने जो है स्टार्टर के ऊपर भी जो है वीडियो बना के रखा है मैंने, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं तो ये नॉलेज के लिए आपको सिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला जो है मेरा ये बैंडेक्स है, ठीक है, और ये वाला जो है फॉर्क है। क्या है ये? फॉर्क है, और इसको बैंडेक्स भी बोला जाता है, और इसको जो है पिनियन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिनियन। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग सेल्फ़ मारते हैं तो गुई करता है, मतलब ये काम तो करता है प्रॉपर, लेकिन क्या है ना कि ये इसमें जो है अंदर में फ्री हो जाता है, तो इसको बोलते हैं फॉर्क। और ये हो गया हमारा बैंडेक्स, और ये हो गया हमारा सोलेनोइड स्विच। देखिए ये वाला जो है, ये कुछ जब हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, ये दो काम कर रहा है। एक तो पहली बात क्या कर रहा है, ये जब ऑन होता है हमारा, तो ये फॉर्क जो है इस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है ये फॉर्क हमारा, ये फॉर्क इस तरीके से रहता है। अब जैसा ही हम लोग इसको ऑन करते हैं तो क्या करता है, ये इसको बाहर खींचता है, ये अंदर की तरफ खींचेगा। जब इसको ये अंदर की तरफ खींचेगा तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ जाएगा। अब ये बाहर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये वाला जो गियर है तो वो फ्लाईव्हील में जो है फंस जाता है। जब ये फ्लाईव्हील में फंसेगा उसके बाद क्या होगा, ये कॉन्टेक्ट दोनों आपस में, तो इसको पॉजिटिव भी चला जाएगा यहाँ से। तो ये जब आपस में फंसेगा और ऊपर से जब हम लोग जैसा ही इसको सेल्फ मारेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव चला जाएगा स्टार्टर को, और ये वाला जो है कॉन्टेक्ट जो है फ्लाईव्हील में टच हो जाएगा। तो कॉन्टेक्ट जैसा ही मिलेगा तो ये घूमने लगेगा, और ये वाला घूमता घूमता जो है हमारे फ्लाईव्हील में चला जाएगा, और फ्लाईव्हील को घुमा देगा, हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग छोड़ते हैं, वापस से जो है ये बैक की तरफ जो है पिनियन हमारा आ जाता है। तो ये सोलेनोइड स्विच है, सोलेनोइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये सोलेनोइड स्विच ख़राब हो जाता है तो आपका जो है कट 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 आवाज़ करेगा, कट 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 आवाज़ करेगा, लेकिन ये कॉन्टेक्ट आपस में जो है कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। तो एक ये है, दूसरा जो है कुछ भी नहीं साउंड आएगा। तीसरा जो है इसके अंदर आता है तो ये वाला जो है, ये जो है जाम हो जाता है, ये स्टक हो जाता है, ये कुछ इस तरीके से आप करते रहोगे तो इसको जो है सर्विस करोगे तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको जो है हम लोग बॉडी बोलते हैं, और ये वाला जो है इसको शाफ्ट बोलते हैं, और ये जो है हमारा गियर है, ये तीनों जो है हमारा सन गियर, ठीक है। और ये वाला जो है इसके अंदर जो है, ये देखिएगा आप, तो ये जो है ये कार्बन ब्रश है, ये यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये पीछे जो अंदर जो दिख रहा है वो कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश है। और ये जो आप देखोगे तो ये फिक्स मैग्नेट का काम कर रहा है, ये जो है फिक्स मैग्नेट, इसको एक समझिए कि फिक्स मैग्नेट है, इसको जो है फिक्स मैग्नेट जो है बनाया जाता है गाड़ी के। जब हम लोग सेल्फ मारते हैं तो सप्ला जाता है, तो इसके अंदर फिक्स नॉर्थ बनता है, और इसके अंदर भी नॉर्थ, दोनों नॉर्थ नॉर्थ आपस में जो है क्या करता है, रिपल करता है, रिपल करता है, तो वही रिपलेशन जो है घूमता है, तो इसको हम लोग फिक्स मैग्नेट बोलते हैं। अभी फिक्स मैग्नेट की जगह जो है हमारा ये जो कॉइल वाला भी मैग्नेट आने लगा है, जो कॉइल बन रहा है जैसे कि रिले में बनता है, ठीक है। और ये जो है हमारा आर्मेचर है, ये देखिए आर्मेचर इसी तरीके से आता है, इसके ऊपर जो है कार्बन कॉन्टैक्ट रहता है इस तरीके से। अब जैसा ही प्लस माइनस मिलता है तो क्या होता है, इसके अंदर जो कार्बन बनता है, क्या बनता है, मैग्नेट बनता है, और मैग्नेट बनने की वजह से जो है क्या होता है, ये इसके अंदर भी मैग्नेट है और इसके अंदर भी मैग्नेट बनता है, तो क्या होता है, ये एक दूसरे को जो है साउथ साउथ जो रिपल करता है, जैसे रिपल करता है तो ये घूमता है, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये कार्बन है जो मेरा अंदर बाहर करता है, ये ठीक है, ये देखिए, ये अंदर बाहर करता है, ठीक है। तो ये वाला जो है कार्बन है, तो आप इसको ध्यान रखिए, ये हमारा सोलेनोइड स्विच है, ये हमारा पिनियन और बैंडिक्स है, ये फॉर्क है, ठीक है, ये जो है बॉडी है, ठीक है, ये वाला जो है हमारा शाफ्ट है, ठीक है, ये हमारा जो है दो गियर है, ये दोनों बोल्ट है, ये नट है, ये जो है हमारा आर्मेचर है, और ये कॉइल मैग्नेट, और किसी किसी गाड़ी में आपको जो है फिक्स मैग्नेट भी देखने को मिलेगा। फिक्स मैग्नेट रहेगा तो आप लोखंड से टच करोगे तो वो मैग्नेट की तरह जो है बर्ताव करेगा, ठीक है। तो इसको जो है असेंबल करने वाला भी, असेंबल करने का भी तरीका जो है एकदम सिंपल है, जस्ट आपको जो है पहले ये फॉर्क लगाकर जो है अंदर डाल देना है। मैं रफली कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं करूँगा, मैं रफली करूँगा, जैसे कि ये वाला जो है मेरा इस तरीके से रहेगा, और ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए, अब जैसा ही जो है हमारा सोलेनोइड काम करता है, देखिए यहाँ पर है इस, ये मेरा फॉर्क है, ये मैं फॉर्क दबाऊंगा, ये देखिए फॉर्क दबाऊंगा, देखिए कैसा ये होता है, ये ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके से जो है ये काम करता है,
ठीक है। तो मैं इसको नहीं लगाया हूँ, बिना इसको लगाए दिखाया, देखिए ये फोर्क का काम क्या है। बस ये बैंडिक्स को, पिनियन को जो है अंदर बाहर करना, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग लगाते हैं, ये जो हमारा ये लग गया और ये जो है गियर लग जाएगा, गियर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आर्मेचर, ये आर्मेचर लग गया, ठीक है। उसके बाद ये तो मतलब ऐसा ही स्पेयर में पड़ा हुआ है, ये एकदम मतलब कि ओके पीस नहीं है। ये मैं आपको जो है नॉलेज के लिए जो है ये मैं बताया हूँ। नॉलेज के लिए बताया हूँ ये अभी कार्बन जो है निकला हुआ है, अभी ये पकड़ेगा अभी नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसको बस यूँ ही ऐसे करके छोड़ दूँगा, कल लड़का आके लगा लेगा। ये मैं इसको जो है मैं यहाँ लगाया, ठीक है। ये ख़राब है, ये मैं आपको जो है सिखाने के लिए लाया था, तो मेरा हाथ भी गंदा हो गया। तो आप देखें यहाँ पर का जो वर्किंग होता है, ये जो है इसके अंदर स्टार्टर मोटर जो है किस तरीके से काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो जो है बना हुआ है उसके ऊपर, वहाँ भी आप देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में या और एडवांस में चाहिए तो जो है बना हुआ है, सिंपल सा है ये है। इसको जो याद रखिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रीशियन, इसको जो है रिपेयर करने का जो है इसको और डिटेल में जो है वीडियो जो है आता रहेगा धीरे धीरे। अब आ रहा है तो धीरे धीरे जो है वीडियो आता रहेगा। तो एक बार जो है थोड़ा बिगनर है तो बिगनर के हिसाब से जो है ट्रेनिंग दिया जाए। बस ये नाम याद रखने का कि बस इसको सोलेनोइड बोलते हैं, ये आर्मेचर है, ये स्टार्टर है, ये बॉडी है, ये पिनियन है, ये गियर है, शाफ्ट है, कार्बन है, ब्रशेस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है अब बात करने वाले हैं हम लोग अल्टरनेटर के पार्ट्स के ऊपर, और अल्टरनेटर कैसे काम करता है उसके ऊपर देखेंगे। चलिए गाइस, वीडियो लंबा हो गया, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।